बबीता के घर से पूरी फैमिली आई है हमें देखने के लिए. इट्स सच अ मोरल बूस्ट एंड रियली इंस्पायरिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट शो, पुटिंग अप अ ग्रेट शो. काफ़ी महीनों से रिहर्सल चल रहा है हमारा और ऑल द एक्टर्स, डांसर्स, कास्ट, बैक स्टेज, माई असिस्टेंट्स, द होल टीम इज सो हाई स्पिरिटेड एंड दे आर सो इमोशनल अबाउट द शो. दे आर वेरी पैशनेट अबाउट द शो. सो इट्स लाइक रियली अ ट्रीट. इट विल बी अ ट्रीट टू वॉच डेफिनेटली. देर आर सो मैनी एलिमेंट्स. आई थिंक एवरीबडी, मतलब जो है ना, सारे लोगों का इसमें योगदान है. जैसे सबसे पहले आते हैं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सलीम सुलेमान, जो क्योंकि ये म्यूजिकल है, म्यूजिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बैकबोन ऑफ सच अ ग्रैंड म्यूजिकल. सो सलीम सुलेमान डेफिनेटली हैव आउटडन एवरीबडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड बप्पी दा का म्यूजिक जो ऑलरेडी इतना लार्जर देन लाइफ है, इतना ग्रैंड है कि आज तक लोग उस मेलेडी को उन गानों पर सुनते हैं, नाचते हैं, उसको तो हल्का सा रेंडिशन करके और उसी लेवल का बनाना. सो इट्स कमेंडेबल. आई थिंक ओनली सलीम सुलेमान कैन डू दिस एज अ म्यूजिक डायरेक्टर. आई थिंक एवरी पॉइंट इन दिस, लाइक यू नो, एवरी जंक्चर देर इज अ ट्विस्ट, देर इज अ टर्न. सो इट्स नॉट गेटिंग इन टू मोनोटोनस कि सिर्फ गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं. देर इज अ स्टोरी लाइन टू इट. यू नो, देर आर सीन्स विच आर वेरी इमोशनल. देर इज मदर डॉटर सीन एंड मदर सन सीन एंड यू नो द विलन्स, द फादर. और हमने इसमें पुराने स्टाइल के जो डायलॉग्स, जो तकिया कलाम थे, वो सारे हमने यूज़ किए. वी ट्राई टू कीप द 80s अलाइव थ्रू आउट द शो. सो अब जब आप आके देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हम यू हैव गॉन बैक. यू नो, इट विल बी नॉस्टैल्जिक फॉर द ऑडियंस कि वी हैव गॉन बैक इन द 80s एज किड्स व्हेन वी यूज्ड टू सी मिथुन दा एंड हियर द काइंड ऑफ म्यूजिक. वही उस तरह की एक एक्टिंग का एक अलग स्टाइल था उस टाइम पे, डायलॉग्स डिलीवरी का. तो वही हमने इसको यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की एंड वी आर री लिविंग द 80s. एंड वॉट बेटर वे टू डू इट देन मिथुन दास डिस्को डांसर एंड बप्पी दास म्यूजिक. सो या, वी आर ऑल वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दिस होल थिंग एंड वी आर रियली लुकिंग ऑल रेडी एंड सेट स्टेज ऑन फायर. आई वुड सजेस्ट प्लीज पुट योर डांसिंग शूज ऑन बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक यू डांस. आपको सबको नाचना है, गाना है. बेसिकली आपको हमारे साथ पार्टी करनी है इस शो में. ये हमारा जो है रीज़न है. हमें इतना बड़ा ग्रैंड म्यूजिकल जो हमने क्रिएट किया है उसके लिए. थैंक यू.
course I miss him because everything is his and he's not there. So as a daughter, as a family, it's very hard. But I feel so happy that I wish he was there. Aaj agar papa daddy hote, to the real disco king, unka baithna, unka presence, itne khush ho jate ye dekhke ki bacche itne talented hai. And Salim Suleimanji's recreation of the songs, they have done such a great job. And they've kept the full music with a very different touch of theirs and amazing. Matlab, I didn't imagine that it will be so good when I saw the rehearsals. Ek-ek bachche, each and every children, team, they're so hardworking, so talented. And uske andar ghus gaye. Mereko aisa laga ki ek-ek characters mein, dance mein ekdam ghus gaye. So I have no words, I'm really excited. And thanks to Saregama and Sunil Shetty ji, who is presenting such a big musical. I think Disco Dance is the second musical after Mughal-e-Azam in India. And 40 years of Disco Dancer, and that's a celebration. I mean, what else I can say? I mean, First of all, I'm so happy that, as you know, Disco Dancer is one of the most iconic and the most blockbuster musical films ever. And right now, Saregama is recreating it, and Salim Suleimanji, they have composed and they have recreated the song so amazing. Well. Amazing. And our very own Sunil Shetty ji, who's brought it to Mumbai, who's presenting it. I'm so grateful to each and everyone. And I'm really missing my granddad a lot because my grandfather was a very versatile singer. Each of his songs make you want to dance because he had all foot tap and tunes. All songs of Disco Dancer, there are like 7 songs of Disco Dancer, Goro Ki Na Galo Ki, Krishna Nagar, all are different. All are mind blowing. And I know that this will be one of the biggest, I cross fingers that this is going to be one of the biggest musicals ever. And kudos to the entire team, to all the dancers, especially to my very own big brother Arjun Ji, the main character is playing as Jimmy in the Disco Dancer. And I hope it's going to be a massive blockbuster, and kudos to everybody. Thank you. गुरु की नकालों की दुनिया है दिल वालों की हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की हो गुरु की नकालों की दुनिया है दिल वालों की जिमी 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 आजा 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 जिमी 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 आजा 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 रे मेरे साथ ये जागी जागी रात पुकारे तुझे सुन सुना दे वही धुन जिमी आजा एंड ऑफ कोर्स याद कम ऑन यू सिंग इट याद आ रहा है तेरा प्यार ओ Outstanding. I didn't imagine that it would be so good, you know. And they've done a great job. And of course, Sunil Shetty ji is presenting the thing. And Saregama. And the whole team of Saregama and the director. And each and every dancer. It's so talented. Hai. Bacche aise naache doob gaye disco dancer ke andar. Music I feel ki, haan, unko laga ki ekdam andar hi ghus gaye wo log, you know. The energy, you know, हालांकि बच्चे छोटे उन्होंने नहीं देखा है, they are very small, but सबने देखा है ये movie, सबने देखी है, एक-एक मेरे dancer ने देखी है, एक-एक actor, हर cast and crew ने, ऐसा कोई इंडिया में बच्चा नहीं है, बड़ा बच्चा छोटा सबने देखा है disco dancer, ये एक बहुत बड़ा brand है, और ये एक मतलब ये iconic movie है, पहली movie जो 100 crore का business किया है. और इसका ज़्यादातर श्रेय जो है इसके म्यूज़िक को जाता है और आज भी ये म्यूज़िक ज़िंदा है और उस ज़माने में भी जब वो डिस्को था हालांकि डिस्को एक वेस्टर्न कल्चर है लेकिन जब आप ये म्यूज़िक सुनेंगे तब का भी तो ऐसा लगेगा हमारा ही कल्चर है और जिस खूबसूरती से इनफैक्ट ये म्यूज़िकल बनाने का इंस्पिरेशन बपिता का म्यूज़िक है क्योंकि म्यूज़िकल है इसलिए हमने म्यूज़िकल बनाया है प्ले नहीं बनाया है ये प्ले नहीं है ये म्यूज़िकल Okay.
सर मुझे बताइए, जब ये कॉन्सेप्ट डे वन में था और आज इस यहाँ तक पहुँच गया, आपको क्या लग रहा है उस जर्नी है, जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिलीव मी, जब सोचा था मैंने इसके बारे में कि यार इस म्यूज़िक को मैं इस तरह से पेश करना चाहता हूँ एक म्यूज़िकल फॉर्मेट में थिएटर पे स्टेज पे लाइव, तो मुझे सबसे पहले ख्याल है कि म्यूज़िकल बनाने के लिए बेस्ट लोग होने चाहिए, तभी इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं ऑन बोर्ड। सो आई थिंक ये 4-5 साल पहले एक्चुअली हमने ये सोचा था और हमने बना भी रहे थे, लेकिन पैंडमिक की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया, वरना बप्पी सर हमारा लाइव देखते हैं। ये एक हमेशा चुभन रह जाएगी कि वो हमें लाइव नहीं देख पाए, कि ये उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता लाइव। लेकिन जब ये शुरू किया हमने तो इसके लिए सलीम सुलेमान जो है इंडिया के बहुत बेहतरीन और मतलब बेस्ट म्यूजिक डुओज और हमारे पार्टनर भी हैं, दोस्त भी हैं, तो उनसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता था। इस म्यूज़िक को उसी लेवल का रेंडिशन चाहिए, तो वो आए। फिर आए सारेगामा, हमारे साथ आए सारेगामा जो थे वो दे और ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। सुनते ही वो भी एकदम हो गए कि हाँ, ये मतलब हमने इतने साल से हमने म्यूज़िक रखा है अपने पास में, तो इसको हम इस तरह से क्यों नहीं लगा सकते। तो सारेगामा वाज ऑल्सो वेरी इन्वॉल्व, इरफान सिद्दीकी जो मतलब बॉलीवुड में लिरिसिस्ट हैं, राइटर हैं और हमारे दोस्त भी हैं, फ्रेंड भी है, पार्टनर भी है, उन्होंने भी हम लोगों ने स्क्रिप्ट में लिखना चालू किया साथ में। तो ये सब कुल मिला के लोग अच्छे अच्छे जुड़ते गए, और जैसे आप हमारे एक्टर्स को आप देखोगे और देख रहे हैं रिहर्सल्स में, देखा जैसे गा रहे, जैसे नाच रहे, जैसे एनर्जी है, पावर है। आई थिंक मिथुन अंकल्स फ्रॉम बैड सीइंग देम ऑन स्टेज। मिथुन दा का तो आशीर्वाद चाहिए ही, हम लेके रहेंगे उनका आशीर्वाद, क्योंकि उनको बहुत गर्व होगा कि आज, हालांकि उनको तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। मिथुन दा का तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम सब बड़े हुए उनसे हमने डांस सीखा है। यहाँ पर कोई तभी कोई क्लासेस नहीं होती थी वैसे, उनके साथ हमने डिस्को डांस सीखा है बच्चन साहब और मिथुन जी से। तो उन हमें ये मतलब बहुत घबराहट भी हो रही है कि वो आएंगे देखने के लिए तो उनका क्या व्यू पॉइंट होगा, वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो वो इसलिए और भी सारे लोग बिल्कुल तैयार है और जोश और खरोश से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जो हीरो हीरोइन है, अर्जुन है, टिया है, सलोनी है, वरुण है, ये सारे जो हीरो हीरोइन है और भी पूरा कास्ट है, वो भी इतना नॉस्टैल्जिक हो रहा है, इतना मतलब वो याद कर इमोशनल हो रहे हैं सारे यहाँ पे, क्योंकि ये म्यूज़िक हमको हमारी इनोसेंस की, हमारे बचपन की याद दिला रहा है, यू नो दैट वे, कि हमारे मम्मी पापा के साथ में हम गए। और इसकी स्टोरी लाइन भी बड़ी इमोशनल है, यू नो माँ बेटी की कहानी, सब अलग अलग जी, बिटवीन अ सिचुएशन ऑफ सन एंड अ मदर। हाँ, मदर गुजर जाती तो बच्चा बेटा जिसको बनाया वही नहीं है, एंड पर डैडी ने उनको ऐसा एक ट्रीटमेंट दिया था जिसको विद इमोशन। यस, आप नाचोगे भी, आपको थोड़े टीयर्स एंड ऑफ कोर्स द लिरिक्स भी, क्योंकि याद आ रहा है यूनिवर्सल, आप भगवान को याद कर सकते हो, अल्लाह को भी याद कर सकते हो, जीसस को भी कर सकते हो, माँ को भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, डैडी को कर सकते हो, इट्स अ यूनिवर्सल मैसेज, टोटली वही है, बट विद अ डिस्को थिंग। मैं अब आपसे ये सवाल जानना चाहूंगा कि मैंने देखा रिहर्सल के दौरान ये प्रैक्टिस की जब चल रही थी तब आपके भी पैर रुक नहीं रहे थे, आप भी चेयर पर बैठ के कहीं ना कहीं नाच रहे थे, आपको क्या लगा, मतलब कैसा लगा था कि मैं चले जाऊँ? मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि सलीम सुलेमान जी ने और सारेगामा और सुनील शेट्टी जी ने डिस्को डांसर को वापस लाया है। और ये आप सोच सकते हैं, ये मूवी पहले से इतना ब्लॉकबस्टर है, सबसे आइकॉनिक म्यूजिकल जो मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर का मोस्ट डिस्को डांस, इट्स अ ब्रांड। और मैं बहुत इमोशनल भी हो गया था, बिकॉज दादू नहीं, फिजिकली नहीं बट हम लोग के दिल में हमेशा के लिए रहेंगे। और उनके जो गाने, फुट टैपिंग गाने थे, और जैसे मैं बोला दादू बहुत वर्सेटाइल थे, और उनके हर तरह तरह के गाने बहुत डिफरेंट जॉनर्स के, ऐसा नहीं कि सेम गाने बनाएंगे, वो हर तरह तरह के डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट बीट्स, डिफरेंट लिरिक्स, डिफरेंट लाइक द मेन फॉर्मूला ऑफ द सॉन्ग, यूज़ टू चेंज इट। जैसे आपके गोरू की नगालों की है, और कृष्णा धरती पे आ जा तू, याद रहा तेरा प्यार, इतने गाने के जो लिरिक्स है वो एकदम सैड है, बट दादू ने डिस्को टाइप में बनाए हैं, दैट्स वे सॉन्ग इतने हिट हो गए। और जो रिमिक्स किया सलीम सुलेमान जी ने, वे उन्होंने बहुत अच्छे से रिमिक्स किया, और एकदम साइड से जिंगल विंगल डाल वाल के मज़ा आएगा। तो आई होप दैट सब लोग इन्जॉय करेंगे इसको, एंड आई नो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे इलेक्ट्रीफाइंग म्यूजिकल होगा। तो मैं आप लोग को मिलूंगा 14 अप्रैल को। थैंक यू।